ऑडियो जंग। बाजार से हमने कैरी ले दिया है और इधर हम पानी लेकर आए थे, पानी से मैंने अच्छे से कैरी को धो लिया है। कैरी को हमने धो लिया था, अभी मैं कपड़े से साफ कर लेती हूँ उसको। क्या कटिंग करना है ना? कैरी को हमने धूप में डाल दिया है, ऊपर से हमने इसको कपड़े से ढक दिया है। कैरी हमारा एकदम अच्छे से सूख गया है, अभी हम इसका अचार बनाते हैं। एक ही दिन का मैंने इसको धूप लगाया है और इसके जो ये ग्रीन वाले पार्ट्स थे ये मैंने नीचे को रखे थे और ये वाइट वाले मैंने ऊपर को रखे थे, ताकि इसका जो ग्रीन कलर है आम का वो ग्रीन ही रहे और जो इसका जो पानी है इसके अंदर कैरी के वो सूख के इसके अंदर ही रहे। इधर से हम सुखाएंगे तो ये नहीं सूखेंगे और ऐसे सुखाएंगे तो अच्छे से सूख जाएंगे। तभी हम इसका मसाला रेडी करते हैं। गैस को हमने कढ़ाई पे रख दिया है। ये 1.5 किलो नमक में कढ़ाई में डालती हूँ सेकने के लिए। नमक हम सेक के डालेंगे तो अचार ख़राब नहीं होएगा। नमक ऐसा सादा नमक हम ऐसे डाल देंगे बिना सेके तो ये बहुत सारा पानी छोड़ देता है, जिससे अचार का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है, मीन्स अचार ख़राब हो जाता है। तो इससे अचार ख़राब नहीं होएगा। आप कितने टाइम तक भी सालों साल इस अचार को रखेंगे तो ये अचार आपका ख़राब नहीं होएगा। अभी ये कैरी के लिए हम मसाला देख लेते हैं। ये सौंफ है 50 ग्राम, इसको मैंने सेका नहीं है, इसको मैंने ऐसे ही रखा है। और ये है कलौंजी, ये है 50 ग्राम मेथी दाना और थोड़ी सी मैंने काली मिरी ली है। और सबसे पहले मैं ये मेथी दाने को थोड़ा दरदरा सा पीस लेती हूँ और साथ में ही काली मिरी को डाल के, और उसके बाद में हम ये मसाला देख लेते हैं। और ये लाल मिर्ची है 2 चम्मच, हल्दी 2 चम्मच, कश्मीरी पाउडर 2 चम्मच, ये 1.5 लीटर तेल है 250 ग्राम। अभी हम ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, बस इतना ही डालेंगे। और ये सेका हुआ नमक है 200 ग्राम, थोड़ी सी शक्कर है। मिक्सर जार में मैंने मेथी का दाना और काली मिरी दोनों को साथ में डाल के अभी मैं इसको पीस लेती हूँ। नमक को हमने सेक के एक प्लेट में निकाल लिया है। इसी कढ़ाई में मैंने 250 ग्राम सरसों का तेल गर्म होने को रखा है। ये गर्म हो जाएगा, फिर ठंडा होने के बाद में ही हम अचार में डालेंगे मसाले के साथ। इसको हमने पीस लिया है, देखिए कुछ पीस के ऐसा हो गया है। अभी इसको मैं निकाल लेती हूँ। इसको बहुत बारीक नहीं पीसना, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बस इससे ज़्यादा नहीं अपने को पीसना। कैरी को हमने एक परात में डाल लिया है बड़े बर्तन में। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें नमक, उसके बाद में मैं डालूंगी इसमें हल्दी 2 चम्मच, लाल मिर्ची तीखा, कश्मीरी मिर्ची, कलौंजी, जो मैंने मेथी दाना पीस के रखा था वो, हींग मैंने उसमें बताया नहीं था, अभी मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हींग, सौंफ, और इसके बाद में हम डालेंगे शक्कर। शक्कर डालने से ये होगा कि जो हमारा अचार है वो बहुत जल्दी नहीं गलेगा, काफ़ी टाइम तक हमारा अचार है जो एकदम कड़क रहेगा, ख़राब भी नहीं होएगा शक्कर डालने से। और जो हम खाते हैं अचार में खट्टापन रहता है, उससे गले को खराश भी नहीं होती शक्कर डालने से। अभी हम डालेंगे तेल, जो मैंने गर्म करके ठंडा किया था तेल वो, और अभी हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये अचार बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में है, आप ऐसे ही बनाना मेरे स्टाइल से। अभी हम इसको मिक्स करेंगे, फिर एक पतीले में मैं भर के आपको दिखाती हूँ। अचार को मैंने अच्छे से मसाले में मिक्स कर दिया है। ये प्रॉपर पंजाबी स्टाइल से अचार है, पंजाब में ऐसे ही बनता है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और अभी हम इसको मिक्स कर लिया है। अभी मैं एक पतीले में इसको डाल के रख देती हूँ। इसमें डाल देंगे, ये 5-6 दिन तक हम इसी में ही रखेंगे। इसको अच्छे से रोज़ एक बार इसको मिक्स करते रहेंगे, ताकि इसमें जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर हम डब्बे में डाल देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स नहीं होता। तो हमारा पंजाबी स्टाइल से जो अचार है बन के रेडी हो गया है। आगे का प्रोसीजर हम आपको फिर दिखाएंगे कि इसको जब मैं डब्बे में भरूंगी, इसमें तेल कभी डालना है वो मैं आपको फिर दिखाऊंगी। तो अभी मैं ये भर के 3-4 दिन तक मैं इसी में ही रहने दूंगी। अचार को मैंने पतीले में डाल दिया है। ये 2 किलो आम है और ये जो मैंने मसाला डाला है 2 किलो के हिसाब से ही डाला है। आज अचार को दूसरा दिन है, कल हमने जब भी डाला था तो एकदम सूखा था। आज देखिए मसाला कितना अच्छे से मिक्स हो गया है। अचार में जो केरी का खट्टापन था वो भी आ गया है। अचार बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, एकदम पंजाबी स्टाइल में अचार है ये। इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते, आप मीन्स जो घर में आपके मसाले हैं उसी से ये बन जाता है। कुछ आपको अलग से ख़रीद के नहीं लाना पड़ता। मेथी, सौंफ, काली मिर्च सबके घर पे रहता ही है। और नमक जो मैंने डाला वो सेक के डालने का, क्योंकि उसी से ही अचार ज़्यादा टिकने वाला है। 3 दिन के बाद में हमारा अचार कुछ ऐसा हो गया है। देखिए अच्छे से जो मसाला था इसमें मिक्स हो गया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे, ये है विनीगर वाइट वाला, तो 2 चम्मच हम विनीगर डालेंगे। इससे क्या अचार ख़राब नहीं होएगा, काफ़ी टाइम तक हमारा 1-1.5 साल तक आराम से चल जाएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करके हम डब्बे में भर लेते हैं। अचार हमारा पंजाबी स्टाइल में रेडी हो गया है। पतीले से निकाल के हमने अभी कांच की बर्नी में भर लिया है। आप देख सकते हो अचार कितना अच्छा दिख रहा है। और अभी हमने इसमें तेल जब भी बनाते समय डाला था वही तेल है, अभी हमने डाल के रख दिया था सुबह। अभी शाम तक हमारा ये अचार में इतना तेल निकल आया है। तो अभी बाकी का तेल हम बाद में डालेंगे ज़रूरत पड़ने पर। और चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप अचार निकाल रहे हो तो आटे वाला हाथ नहीं लगना चाहिए, इसको गिला चम्मच नहीं लगना चाहिए। और इसका बर्नी का जो ढक्कन है इसको एकदम टाइट बंद करके रखिए, अगर हवा लग जाएगा तो अचार आपका ख़राब हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कि जो नमक है, कोई भी आप अचार बना रहे हो तो उसमें नमक सेक के डालिए, उससे अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होएगा। तो ये पंजाबी स्टाइल से बन के एकदम अचार रेडी हो गया है। 10-15 दिन में आप इसको खा सकते हो। मैंने एक और स्टाइल से भी बनाया है, तो दूसरा वीडियो भी मैं जल्दी डालूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।